नमस्ते दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं एंड्रॉइड वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में। और मेरे को पता है ये कैटेगरी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसका सबूत ये रहा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं कम्युनिटी टैब में ऐसे वोट्स वगैरह करता रहता हूँ, पोल वगैरह होते रहते हैं, तो वहाँ पर जाके आप वोट भी कर सकते हो अपनी फेवरेट कैटेगरी को। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे आने वाले टाइम पर, तो उन चीज़ों का ध्यान रखा करो। कम्युनिटी टैब भी हमारे चैनल पर होता है। और आज की वीडियो में जो मैं आपको 10 ओपन वर्ल्ड गेम्स बताने वाला हूँ, पहले मैंने सोचा था कि सारे एक ही GTA जैसे गेम्स है वो बता देता हूँ, लेकिन भाई इस बार मैं अलग गेम्स लेके आया हूँ जिसमें आपको 5 गेम्स है वो GTA जैसे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो 3 गेम्स है वो सिमुलेशन टाइप, इसके अलावा जो 2 गेम्स बचे वो है सर्वाइवल गेम्स। तो आपको गेम्स खेलने में काफ़ी अलग अलग वैरायटी है वो देखने को मिल जाएगी, तो आपको गेम्स खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, आज की वीडियो का जो लाइक गेम होने वाला है वो है 4000 लाइक, जितनी जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर देना। दोस्तों लिस्ट पर जो हमारा सबसे पहला गेम है वो है गैंगस्टर न्यू ऑर्लियंस। मेरे को पता है काफ़ी लोग इस गेम के बारे में जानते होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस गेम को इग्नोर किया है। आप सभी को याद होगा गैंगस्टर वेगास था जो भाई वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन गैंगस्टर न्यू ऑर्लियंस आते ही थोड़ा पिट सा गया था, लोगों को इसका गेम प्ले पसंद नहीं आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गेम अच्छा नहीं है, यहाँ पर आप इसका गेम प्ले देख सकते हो। थोड़ी ग्राफिक्स क्वालिटी लोगों को इशू लगा था, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है जब आप इसका ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करोगे ना। इसके अलावा जो मिशन देखने को मिलते हैं इस गेम में भाई, स्टोरी चलती है जैसे, उसे खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल GTA जैसी वाइब है वो आपको देखने को मिलेगी। और गेम प्ले भाई आप सभी को पता है मस्त होगा ही, गेम लोड के पुराने गेम सारे मस्त होते थे। तो जिनको भी ऐसे गैंगस्टर्स वाला गेम पसंद आता है ना स्टोरी मोड, अगर आपको गैंगस्टर वेगास भी पसंद आया था ना, तो इस गेम को तब भी बिल्कुल मिस मत करना भाई। काफ़ी मस्त गेम है, मस्त स्टोरी मिशन देखने को मिलेगा और मस्त एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों लिस्ट पर जो हमारा दूसरा गेम है वो है सर्वाइवल कैटेगरी का, जिसका नाम है रेडिएशन आइलैंड। दोस्तों ये गेम काफ़ी मस्त होने वाला है, हालांकि ये वाला गेम पेड होगा शायद, तो आप फिर रेडिएशन सिटी खेल सकते हो, वो वाला गेम फ्री रहेगा। लेकिन रेडिएशन आइलैंड भी काफ़ी मस्त है और रेडिएशन सिटी भी काफी मस्त गेम है। और यहाँ पे आप एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हो, उसके बाद उसको जाके एक्सप्लोर करते हो भाई। और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको एनिमल्स है वो हंट करने पड़ते हैं, इसके अलावा चीजें क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे गेम काफी पुराना है, लेकिन गेम की अगर ग्राफिक्स क्वालिटी देखोगे ना, तो आज की डेट में भी जितने गेम्स हमें देखने को मिलते हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। और साथ में भाई अच्छी बात यह है कि इसमें आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आप स्विच कर सकते हो गेम के दौरान, जो कि काफी मस्त लगती है मेरे को चीजें। तो जिनको क्राफ्टिंग ऐसे सिमुलेशन टाइप वाले गेम पसंद आते हैं ना, क्राफ्टिंग वाले जिसमें आपको सर्वाइव करना है भाई, तो उनको तो ये गेम काफी पसंद आएगा, तो वो इस गेम को जरूर ट्राई करें। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा थर्ड गेम है वो है जॉबलेस लाइफ। गेम का साइज काफी कम है, लेकिन उस हिसाब से गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफी मस्त रखी गई है। ये भी GTA टाइप गेम होने वाला है, इसमें आपको नाम से ही काफी चीजें पता चल गई होगी जॉबलेस लाइफ से, कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो जो पूरी सिटी है ना उसको आप एक्सप्लोर करते हो। और यहाँ यहाँ पे आपको काम मिलता है ना भाई, वहां पर जाके आप ट्राई करते हो, उसके बाद पैसे अर्न करते हो ताकि आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओ। और बिल्कुल GTA जैसा ओपन वर्ल्ड है वो गेम देखने को मिलता है। बाकी जितने भी इसमें व्हीकल्स देखने को मिलते हैं वो आप चला सकते हो, मिशन के हिसाब से होते हैं। और गेम प्ले थोड़ा सा ठीक ठाक सा रहेगा क्योंकि गेम का साइज भी काफी कम है, लेकिन उस हिसाब से गेम के मैकेनिज्म और जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ना वो काफी मस्त है, तो आपको खेलने में काफी मजा आएगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम है, तो उस गेम का नाम है हैवी मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों गेम का साइज भी काफी कम है और गेम ऑफलाइन भी है सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे भाई जितने भी आपको ऐसे गाड़ियां देखने को मिलती है ना जो काम करती है कंस्ट्रक्शन का, इसके अलावा और भी काफी सारी गाड़ियां देखने को मिलती है, तो जिस हिसाब से मिशन होता है ना उस हिसाब से आप गाड़ी चूज कर सकते हो। बाकी ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट रहेगा जिसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो, और हर टास्क के लिए भाई आपको एक अलग गाड़ी लेके जानी पड़ती है जो कि उस हिसाब से सूट करेगी, तो वो चीज देखने में काफी मस्त लगती है। जिनको सिमुलेशन टाइप कार वाले ऐसे गेम पसंद आते हैं ना, उनको ये वाला गेम जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है, उस गेम का नाम है वाइस ऑनलाइन। गेम का साइज भी काफी कम है और गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी उसी हिसाब से काफी मस्त है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर इसका गेम प्ले देख सकते हो, जैसे GTA ऑनलाइन रहता है ना, कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे आपको रहने वाला है। तो भाई ऑनलाइन प्लेयर्स भी रहेंगे और साथ में आपको मिशन करने का भी मौका मिलेगा भाई, स्टोरी मिशन टाइप होते हैं ना जैसे ऑनलाइन में, तो वो मिशन भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा GTA जैसा ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट देखने को मिलेगा जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी इतनी मस्त है, साथ में कंट्रोल्स में भी आपको कोई इतनी दिक्कत है वो देखने को नहीं मिलती। हालांकि साइज के हिसाब से लगता नहीं था कि गेम प्ले इतना मस्त होगा, लेकिन फिर भी काफी पॉपुलर हुआ ये वाला। और पहले तो हमें अपने इंडिया लोकेशन के लिए ये वाला गेम मिलता भी नहीं था, लेकिन अभी आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा सिक्स नंबर पर गेम है, तो उस गेम का नाम है रियल ड्राइविंग स्कूल। गेम का साइज काफी ज्यादा है, लेकिन गेम ऑफलाइन रहेगा और गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी
काफी मस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेम प्ले और यहाँ पे बिल्कुल रियल ड्राइविंग वाली वाइब है वो देखने को मिलेगी। इवन जो आप कार की स्पीड भी बढ़ा रहे हो ना वो गियर के हिसाब से, तो वो चीज़ देखने में काफी मस्त लगती है। यहाँ पे काफी कम कार गेम्स में ऐसी चीज देखने को मिलती है, जो रियल वाले होते हैं ना बिल्कुल सिमुलेशन टाइप, उनमें ये चीज देखने को मिलती है। तो इस गेम में आपको वही चीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके आपको टास्क दिए जाते हैं, फिर आप फ्री रोम कहीं भी ऐसे घूम सकते हो, फ्री राइड कर सकते हो, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर जो आपको टास्क मिलते हैं, मिशन मिलते हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको रूल्स बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करने होते, तभी आपके वो टास्क कंप्लीट होंगे। अगर आप कोई कार सिमुलेशन गेम ढूंढ रहे हो ना तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 7th नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है अनडोन मोबाइल। ये हमारा सर्वाइवल कैटेगरी का दूसरा गेम है और यहाँ पे वैसे काफी पॉपुलर टाइटल है ऑलरेडी, आप सभी को पता है। और यहाँ पे पहले तो आप करेक्टर कस्टमाइज काफी अच्छा कर सकते हो, काफी डिटेलिंग में दिया हुआ करेक्टर कस्टमाइजेशन। इसके अलावा कटसीन भी देखने को मिलते हैं पीसी गेम जैसे, और एक सर्वाइवल गेम होने वाला है जिसमें आपको चीजें क्राफ्ट भी करनी पड़ेगी और खुद को धीरे धीरे अपग्रेड भी करना पड़ेगा। और स्टोरी के हिसाब से ना भाई इसके मिशंस हैं वो चलते रहते हैं जो कि काफी कूल लगते हैं, और ज़ॉम्बीज के साथ फाइट भी काफी मस्त देखने को मिलती है, तो वो चीज काफी कूल लगती है। अगर आपने लाइफ आफ्टर खेला था ना उसके बाद ये ऐसे गेम्स हैं वो बनने शुरू हुए थे जो कि देखने में काफी मस्त लगते हैं। तो अनडाउन भी उसी कैटेगरी में आने वाला है, सर्वाइवल कैटेगरी रहेगी। इसके अलावा ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट है, चीजें एक्सप्लोर भी कर रहे हो और साथ में स्टोरी मिशंस भी खेल रहे हो, तो वो चीज काफी मस्त है, तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो रहा 8th नंबर पर गेम है तो उस गेम का नाम है कार सिमुलेटर 2। दोस्तों ये वर्ल्ड इसमें ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा और ऑफलाइन मोड भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भाई होगा क्या, जितने भी आप ऑनलाइन प्लेयर्स रहेंगे ना तो ऐसे रेस वगैरह कर सकते हो, इसके अलावा पैसे जीत सकते हो और उन पैसों से आप नई नई कार्स है वो कलेक्शन अपनी बाय कर सकते हो। और इतना नहीं, यहाँ पे बिल्कुल रियल फिजिक्स वाला कंसेप्ट है वो दिया गया है जो कि देखने में काफी कूल लगता है। इसके अलावा आपकी गाड़ी की गैस खत्म होती है भाई स्टेशन पे, फिल करवाने जाते हो, कार को कस्टमाइज कर सकते हो काफी हद तक, और इसके अलावा जितनी भी ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिलती है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसे पूरा सिमुलेशन टाइप वाला कार में गेम बनाया हुआ है जो कि काफी मस्त है। हालांकि गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी ठीक ठाक सी देखने को मिलती है, लेकिन जो कंट्रोल्स वगैरह है ना वो काफी मस्त है। इसके अलावा जो भी आपको ऑनलाइन ऐसे मिशन देखने को मिलते हैं ना भाई, जो रास्ते में होते हैं, तो उनको भी आप ट्रैक कर सकते हो, खेल सकते हो पूरा, तो वो भी काफी मस्त है। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 9th नंबर पर गेम है तो उस गेम का नाम है गैंग टाउन स्टोरी। गेम बुद्ध किसी ऑफलाइन गेम का जो साइज है वो काफी ज्यादा होने वाला है क्योंकि बिल्कुल GTA जैसी वाइब वाला एक और गेम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गेम के जो कंट्रोल्स और जो एनिमेशन देखने को मिलती है वो थोड़ी इतनी खास नहीं है, लेकिन इसके अलावा पूरी GTA वाली वाइब है वो आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो वैसे ही स्टोरी मिशन रहेंगे, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट रहेगा जिसको आप एक्सप्लोर करोगे, और स्टोरी मिशन भी काफी मस्त होने वाले हैं क्योंकि गैंगस्टर वाली पूरी वाइब है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने गैंगस्टर वेगास खेला है ना वैसा ही कुछ कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैकेनिज्म बिल्कुल सेम नहीं होंगे, उनमें थोड़ी सी कमी जरूर लगती है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से गेम प्ले जो मिशन है ना वो काफी मस्त होते हैं, तो आपको खेलने में काफी मजा आएगा। अगर GTA San Andreas आपको पसंद आया था तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो, वैसी ग्राफिक्स क्वालिटी है वो देखने को लगती है। दोस्तों लिस्ट पे जो है 10th मिशन पर गेम आता है उस गेम का नाम है GTA चाइना टाउन वॉर्स। आप सभी को ये गेम याद ही होगा, GTA की तरफ से ही था भाई, लेकिन काफी लोगों ने इस गेम को इग्नोर किया था और इसका रीजन आप शायद गेम प्ले देख सकते हो। लेकिन एक टाइम के लिए अगर आप गेम प्ले को इग्नोर मार दोगे ना तब भी भाई ये वाला गेम काफी मस्त होने वाला है। इसके स्टोरी मिशन भी काफी मस्त रहेंगे जो आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें कटसीन तो देखने को नहीं मिलते, ऐसे नॉर्मल टॉक होती है, लेकिन फिर भी स्टोरी काफी मस्त होती है जिस हिसाब से आपको मिशन है वो खेलने पड़ते हैं। और जो ये कैमरा एंगल है ना इसमें भी आपको खेलने में काफी मजा आएगा, ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में काफी मजा आएगा। वैसे GTA का गेम है तो सोच समझ के बनाया होगा, आप सभी को याद होगा, तो अगर एक बार इस गेम को ट्राई करोगे ना तो आपको खेलने में काफी मजा आएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, एक भी गेम पसंद आया हो ना डाउनलोड करके खेलने वाले हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करा करो, तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।